हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी जीमेल में ये मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यूट्यूब हैंडल अवेलेबल इन एडिशनल लैंग्वेज और उसके नीचे यहाँ पर बहुत सारा मैसेज लिखा हुआ है, तो इस मैसेज का मतलब क्या है और ये मैसेज आपको क्या समझाना चाहता है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी आपको ये मैसेज मिलेगा, मतलब कि सभी को ये मैसेज मिला होगा। तो इस मैसेज से आप क्या समझ सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। उससे पहले अपने भाई की चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने के लिए हमें यूट्यूब में जाना पड़ेगा, तो यहां से मैं बैक करता हूं और यूट्यूब में जाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया है। उसके बाद यहां चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे। चैनल के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर चैनल ओपन कर लेना है। चैनल ओपन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है रत्नाकर सिंह और उसके नीचे यहाँ पर हैंडल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है @RamjiEC3PZ, मतलब कि ये मेरे चैनल का हैंडल है और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पेंसिल का आइकन है ना, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडल और यहाँ पर मेरे चैनल का हैंडल लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे चैनल का हैंडल आ रहा है और यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि आप 14 दिन में 2 बार अपने चैनल का हैंडल चेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जीमेल में मैसेज आया था ना, इसी के बारे में आया था। तो इसको क्या करना है, इसके लिए ये मैसेज आपको ये कह रहा है कि जो आपके चैनल का हैंडल है वो इंग्लिश से है, मतलब कि अभी तक आप इंग्लिश से ही हैंडल रख सकते थे, लेकिन अब यूट्यूब ये कह रहा है कि आप अपने चैनल का हैंडल किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हैं। अभी आप नहीं कर सकते थे, सिर्फ इंग्लिश में कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है रिव्यू योर हैंडल, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहां पर आपके चैनल का हैंडल लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है चेंज हैंडल, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहां से आप किसी भी लैंग्वेज में अपने चैनल का हैंडल चेंज कर सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात की इस मैसेज में आपको यही समझाया गया है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के हैंडल को अभी तक आप इंग्लिश में रखते थे, लेकिन अब आप किसी भी लैंग्वेज में अपने चैनल का हैंडल रख सकते हैं। ओके, और एक बात और, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अल्टर्ड कंटेंट के बारे में बताया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और जो ये वीडियो दिख रहा है ना, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।